हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमें कोई वेव दी हुई है और उस वेव पे ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स रहते हैं, जो कि स्ट्रिंग के पार्टिकल्स रहते हैं, तो अगर हमें उनकी वेलोसिटी या कि किस तरफ वो जाने लग रहे हैं, उनका एक्सेलरेशन क्या है, वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो यहाँ पे बच्चों हमें समझ में आ गया कि जैसे मान लो कि सर एक साइनोसॉइडल वेव है। साइनोसॉइडल वेव का क्या मतलब हो गया कि जो साइन के फॉर्मेट की रहे ऐसे, ठीक है, तो इसको साइनोसॉइडल कहा जाता है। यहाँ पे अगर कोस भी लिख देते तब भी उसको साइनोसॉइडल वेव की ही कैटेगरी में लिखा जाएगा, ठीक। अभी जैसे कि देखो, हमें कोई वेव दी हुई है और उसकी जनरल इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अभी हमने कहा कि सर ये है वाई, वाई का क्या मतलब होगा, वाई का मतलब होगा कि बच्चों ये हमें किसके बारे में बताने लग रहा है, ये बता रहा हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया गया कि अगर कोई भी एक वेव है, जैसे मान लो कि यही एक वेव है, तो जैसे कि ये कोई पार्टिकल हो गया, तो ये अपनी ओरिजिनल जगह से, जब वेव नहीं आई होगी तो एकदम रस्सी सीधी रही होगी, अभी वेव आई है तो रस्सी ऊपर की तरफ उठ गई, तो ये वाई कितना है, ठीक है भाई। अभी देखो, हम यहाँ पे बहुत आगे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये जैसे वी वाई लिखा हुआ है, वी वाई का मतलब क्या होगा भाई, डी वाई बाई डी टी एट एक्स कॉन्स्टेंट। इसका क्या मतलब आ रहा है, इसका ये मतलब है कि सर अगर हम किसी एक्स को कॉन्स्टेंट कर दें, एक्स को कॉन्स्टेंट कर दें, मतलब कि अगर आप इस इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू को कॉन्स्टेंट कर दोगे तो आपका वाई किसका फंक्शन बन जाएगा, टाइम का। अगर आपका वाई टाइम का फंक्शन बन गया, इसका मतलब कि जो आपके वाई की वैल्यू है वो टाइम के साथ क्या होने लग रही है, चेंज होने लग रही है। अगर वाई की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होने लग रही है, तभी हम कहेंगे कि सर अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर रहेगा, जैसे ये पार्टिकल कभी यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ पर रहेगा, इस तरीके से वेरी करता रहेगा। तो हमने कहा कि सर अगर हमें इसका वेलोसिटी निकालना है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना, तो इसको उठा के क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी आप लोगों को पता ही है बच्चों कि इस इक्वेशन में अगर एक्स को कॉन्स्टेंट रख दिया जाए और टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल वाई बाय डेल टी, जो क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट। तो बेसिकली इस वी वाई का क्या मतलब निकल के आया, इस वी वाई का मतलब हमारे लिए निकल के आया कि सर ये बन गया हमारे लिए क्या, ये अपना बन गया बच्चों वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं है भाई, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है कि पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे कितनी स्पीड से जाने लग रहा है। वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब रहता है किस रेट से डिस्टर्बेंस जाने लग रही है। अभी इसी का ही अगला डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, तो ये ए वाई आ गया। ए वाई का मतलब आप लोग समझ गए होगा अभी तक, क्या कहने का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया सर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, कि जो ये अपना पार्टिकल ऊपर नीचे की डायरेक्शन में जाने लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या है। आपको क्या लग रहा है बच्चों, किसको फॉलो कर रहा होगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्स को फिक्स कर देता हूँ तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, कुछ ऐसा फंक्शन आ रहा है। ये हमने क्या कहाँ पर पढ़ा हुआ, एस एच एम ए, मीन्स कि जो इसका हर एक पार्टिकल है वो क्या करता है, अपनी जगह पर बैठे बैठे क्या करता है, ये एस एच एम करता है, मतलब कि ऊपर नीचे जाने लग रहा है, ठीक है। अब ये देखो भाई, अगर हम इससे आगे जाएं तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि चलो सर कुछ और भी चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। देखो, अभी तक तो हमने इस इक्वेशन में क्या किया था, हमने इसमें एक्स की वैल्यू को कॉन्स्टेंट किया था तो टी के साथ डिफरेंशिएशन किया था, लेकिन एक्स और टी दोनों वेरिएबल है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई चलो थोड़ी देर के लिए टी को कॉन्स्टेंट रखते हैं। टी को कॉन्स्टेंट रखा तो वाई किसका फंक्शन बन जाएगा, एक्स का। वाई एक्स का फंक्शन बन जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन समथिंग इंटू एक्स प्लस फाइव आ जाएगा। मीन्स याद करो, मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर टाइम को फिक्स करना है, टाइम को फिक्स करने का मतलब क्या रहता है, इसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फ्रीज कर देना। फ्रीज कर देना मतलब कि आपने फोटो खींच लिया, फोटो खींचना मीन्स आपको क्या मिलेगा, शेप ऑफ द वेव। मीन्स जैसे ही आप टाइम को कॉन्स्टेंट करते हो आपको क्या मिल जाएगा, शेप ऑफ द वेव। अभी आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करो। मैं यहाँ आपके पास शेप आई है और उस शेप का आप किसके साथ डिफरेंशिएशन करो, एक्स के साथ। मतलब कभी भी वाई का एक्स के साथ डिफरेंशिएशन ऑब्वियस सी बात हम लोगों को क्या देगा, स्लोप ऑफ शेप ऑफ वेव। ये अपने पास हो गए सर, इसका मतलब हो गया स्लोप ऑफ शेप ऑफ वेव। अभी हमने उसका डबल डिफरेंशिएशन, ये डबल डिफरेंशिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण, समझ नहीं इसको ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता कि ये है क्या, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि सर डेल अपॉन डेल एक्स किसका है, ये स्लोप का।
देखो ध्यान से, क्योंकि भाई ये डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन एक्स के साथ किया जाए तो ये टर्म बनती है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि सर इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या लिखा हुआ है, स्लोप लिखा हुआ है, डी ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिस चीज को हम लोग फिजिक्स में बच्चों कह देते हैं कर्वेचर। ठीक है, मीन्स अगर आप स्लोप का एक्स के साथ इफेक्ट देखने लग रहे हैं तो इसका मतलब आप किसके बारे में बात करने लग रहे हैं, कर्वेचर के बारे में। जैसे मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल, जैसे एक स्ट्रेट लाइन रहती है भाई, स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन का बच्चों क्या रहता है कि जब हम इसके साथ साथ चलते गए आगे की तरफ, ये बताओ क्या इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप किसी भी जगह पर चेंज करेगा, नहीं करेगा। स्लोप अगर इसका किसी भी जगह पर चेंज नहीं करेगा तो इसका डी स्लोप बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब कि सर इसका कर्वेचर कितना आ गया, इस लाइन का कर्वेचर आ जाएगा जीरो। ठीक है, अगर अभी देखो, अगर हम एक सर्कल को लेते हैं, ठीक है, ये सर्कल बना दिया हमने ऐसे, इस सर्कल में देखोगे आप तो हर एक जगह पे इसका स्लोप बदलता जा रहा है, इस जगह पे अलग, इस जगह पे अलग, इस जगह पे अलग। इसका मतलब कि सर इसका जो स्लोप है वो तो जगह जगह के साथ बदलने लग रहा है, मीन्स इसके अंदर कर्वेचर है। अभी देखो एक बड़ी सर्कल और छोटी सर्कल में क्या अंतर रहता है भाई, जिसका रेडियस आर, अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा है कि सर आर बड़ा मतलब कि घुमाव कितना रहता है, छोटा। ठीक है, अगर रेडियस ज़्यादा रहेगी तो ऑब्वियस बात है कि घुमाव क्या रहेगा उसके अंदर, कम रहेगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, धरती का एग्जांपल ले लेते, धरती क्या है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो रेडियस है वो ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए उसका घुमाव क्या है, कम है, मतलब फ्लैटनेस ज़्यादा है। मीन्स अगर हम यहाँ पे कर्वेचर की बात करें तो सर कर्वेचर अगर आर बढ़ जाता है तो इसका ओबेस सा मतलब है कि बच्चों कर्वेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो आर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर। चलो ये हमारे सिलेबस की बात नहीं है लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर ली ताकि हम कुछ आगे सीख सकें। अभी बच्चों देखो मैंने क्या किया, इसको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये बता रहा था मुझे, ये मुझे क्या बता रहा था, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अभी मैंने यहाँ से कुछ रिलेशन देखा, एक इंपॉर्टेंट सा क्या रिलेशन आया अपने पास कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। ये कहाँ से आया, ध्यान से देखो, इस जगह से आया ये। ये क्या किया हमने, डी वाई बाई डी टी लिखा हुआ, डी वाई बाई डी टी कहाँ पर लिखा अपने, सबसे पहली इक्वेशन में ये रहा, ओमेगा ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स फाई, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये टर्म क्या लिखे हुए है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के को बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ओमेगा बाई के साइन वेव के केस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये क्या रहता है, ये रहता है वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव रहता है इस जगह पे। और डी वाई बाई डी एक्स अभी अभी हम लोग पढ़ के आए थे, डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ स्लोप ऑफ द शेप ऑफ द वेव। मीन्स के सर बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी चलो देखो इससे कैसे पता किया जाता है। जैसे कि मान लो कि ये एक एग्जाम्पल हमारे पास, हमने बच्चों ये वाई वर्सेज एक्स का एक ये दिया हुआ है कि किसी भी टाइम पे हमने एक वेव का क्या किया, फोटो खींच लिया। ठीक है, किसी भी एक वेव का फोटो खींच लिया। फोटो खींचते ही मैंने उस पर कहा कि दो पॉइंट है दिए, ए और बी। इन ए और बी पॉइंट पे अगर मुझे एनालाइज करना है कि भाई बताओ कौन सा पार्टिकल किस तरफ जा रहा होगा, और मैंने कह दिया कि भाई वेलोसिटी ऑफ वेव तो इस तरफ दी हुई है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ वेव अपना कितना दे दिया, किसी ने उठा के दे दिया कि सर वेलोसिटी ऑफ वेव तो क्या है, पॉजिटिव। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव दे दिया गया है तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर मुझे ए पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी, एक पार्टिकल की वेलोसिटी बताने के लिए मैं इस फॉर्मूला के पास जाऊंगा। इस फॉर्मूले के पास गया तो मैंने क्या बोला, मैंने जाते ही बोला कि सर इस जगह पे वेलोसिटी ऑफ वेव क्या बन गया, पॉजिटिव। आगे किसका साइन लगा हुआ, माइनस का, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्लोप। मीन्स कि अगर हम इस जगह पे देखें तो इस जगह का स्लोप ऑलरेडी, ए का स्लोप हमें पता चल जाएगा। ए का स्लोप अगर आप देखोगे तो ऐसी ये लाइन हमें एक स्लोप के बारे में बताएगी, तो ये क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों इतना तो हमें पता ही है कि सर इसका स्लोप तो अपना क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका स्लोप अपना क्या होगा, पॉजिटिव। तो अभी देखो ए के बारे में हमें सारी बातें पता चलेगी, ए के बारे में क्या क्या पता चलेगा, सर स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ वेव भी पॉजिटिव, ये आगे माइनस, प्लस प्लस, और ये क्या बना, माइनस। तो ओवरऑल क्या हो गया, माइनस, मतलब कि ए का वेलोसिटी कितना आ गया, पार्टिकल ए किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ।
ठीक है। अभी यहाँ पे पता करेंगे बी किस तरफ जाएगा, बी इस हिसाब से जाएगा बच्चों कि हमें यहाँ पे दिखाई देने लग रहा है सर इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हो गया अपना नेगेटिव, ठीक है। तो इसका स्लोप नेगेटिव आते ही आप लोग क्या कह सकते हो कि सर स्लोप नेगेटिव, फॉर्मूले पे गए माइनस नेगेटिव स्लोप माइनस ये है माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑलरेडी पॉजिटिव था, ओवरऑल टर्म क्या होगी पॉजिटिव, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह दूंगा कि सर ये होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए किस तरफ हो गई नीचे की तरफ, तो बड़ी आसानी से हमने बता दी। अभी देखो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो एक्सेलरेशन भी, तो एक तो कॉमन सेंस से बच्चों आप ऐसे पता कर सकते हो, आपको पता है कि सर ये पार्टिकल ऊपर नीचे जाने लग रहा है, ऊपर नीचे जाने लग रहती है इसकी मीन पोजीशन हो गई, मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ है पार्टिकल, तो ऑब्वियस सी बात है SHM में पार्टिकल का एक्सेलरेशन हरदम किस तरफ रहता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मींस यहाँ से मैं एक डायरेक्टली बात कह सकता हूँ कि सर एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या आ जाएगा नेगेटिव, मींस किस तरफ नीचे की तरफ। अगर मैं यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी भी अपनी मीन पोजीशन से कहाँ गया ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन किस तरफ रहेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मतलब कि इसका भी एक्सेलरेशन ऑफ बी भी क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, मीन्स किस तरफ नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम लोगों ने सीख लिया सर ए का वेलोसिटी हुआ नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन भी हुआ नीचे की तरफ, बी का क्या हुआ बी का स्लोप बी का वेलोसिटी हुआ ऊपर की तरफ लेकिन एक्सेलरेशन हुआ नीचे की तरफ। अभी बच्चों आप इसके साथ साथ यहाँ पे अगर कोई कहेगा कि सर हमें निचले एक दो पार्टिकल्स का भी बता दीजिए, तो निचले पार्टिकल्स का भी देख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो कि ये पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, इस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट पे कहेंगे कि सर यहाँ का स्लोप हमें देखने से ही लग रहा है कि कैसा आ गया नेगेटिव आ गया, तो इस जगह का स्लोप अपने लिए कितना आ गया बच्चों, स्लोप आया नेगेटिव, हमें पता है कि सर वेलोसिटी ऑफ वेव तो ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों हुआ भाई ये पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि सर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल तीनों मिलके क्या हो गए पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो मतलब कि ये पार्टिकल किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गई पॉजिटिव। अभी ये अपनी मेन पोजीशन से किस तरफ आया हुआ है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आया होता है सच में पार्टिकल का एक्सेलरेशन हरदम क्या रहता है टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन, तो मतलब इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा ऊपर की तरफ, तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल भी क्या आ गया है पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, हरदम ध्यान रखना कि भाई ये देखो ये सारे के सारे पार्टिकल्स कहाँ हुए हैं मेन पोजीशन के नीचे, और ये सारे के सारे पार्टिकल्स कहाँ गए हुए मीन पोजीशन के ऊपर, तो मींस इन सब का एक्सेलरेशन कैसे रहेगा ऊपर की तरफ, और इन सब का एक्सेलरेशन कैसे रहेगा नीचे की तरफ। बस इतना ध्यान रखना आप लोगों को कि सर ये लाइन है इसके ऊपर वाले सारे पार्टिकल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, और निचले पार्टिकल्स सारे कहाँ जा रहे हैं ऊपर की तरफ, मीन्स वेलोसिटीज सबकी अलग अलग हो सकती है लेकिन एक्सेलरेशन कन्फर्म याद रखना। एक्सेलरेशन में क्या याद रखना हम लोगों को कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स गए हुए हैं उन सब का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और इस लाइन के नीचे जितने भी पार्टिकल्स आए उन सब का एक्सेलरेशन किस तरफ है ऊपर की तरफ है। ये तो बात की हमने एक्सेलरेशन की, अगर वेलोसिटी की चर्चा करनी है तो वेलोसिटी की चर्चा इसी इक्वेशन से की जा सकती है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई, ठीक है। अभी चलो भाई देखो अभी हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। देखो ये दिखा हुआ ए ट्रांसवर्स वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मींस लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, मतलब कि इस तरफ क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव। अगर बच्चे इस तरफ होगी वेलोसिटी ऑफ वेव तो ये क्या लिखी जा सकती है पॉजिटिव लिख देंगे हम इसको कि सर ये वेलोसिटी ऑफ वेव तो होगी पॉजिटिव। द फिगर रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द स्ट्रिंग स्नैपशॉट एट अ गिवन इंस्टेंट, मतलब कि क्या किया है फोटो खींच लिया भाई, इसका फोटो खींच लिया मतलब ये किसके वर्सेज का ग्राफ रहेगा, ये वाई वर्सेज एक्स लिखा हुआ है बेसिकली एक सेंस में। एट दिस इंस्टेंट विच पॉइंट्स हैव एन अपवर्ड वेलोसिटी, हम कहेंगे कि सर आपने हमें इतनी देर से पढ़ाया तो हम सिंपल सा एक रिलेशन लिख देंगे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इन टू स्लोप, ठीक है भाई। वेलोसिटी ऑफ वेव ऑलरेडी पॉजिटिव लिख चुके हैं हम लोग, ठीक। तो अभी इसके ऊपर डिपेंड करेगा, मींस जिनका स्लोप हुआ नेगेटिव इम्प्लाइज बच्चों ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगी पॉजिटिव,
और जिन जिन का स्लोप हुआ पॉजिटिव उन उनका सबका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगी, नेगेटिव। खत्म। ये देखो भाई किस किस का स्लोप पॉजिटिव है। बच्चों देखो हम लोग पॉजिटिव स्लोप की बात करते हैं, पॉजिटिव स्लोप ए से एनालाइज शुरू करते हैं। एस पे क्या हो गया, ए का स्लोप हो गया पॉजिटिव, ठीक है। ए का स्लोप पॉजिटिव है, बी का स्लोप पॉजिटिव है, सी का स्लोप कितना, जीरो। तो फटाफट से देखो क्या लिखेंगे, स्लोप पॉजिटिव कौन कौन के हो गए, ए बी। हम कहेंगे सर ए का स्लोप पॉजिटिव, बी का स्लोप पॉजिटिव, फिर उसके बाद किसका स्लोप पॉजिटिव, एच का स्लोप पॉजिटिव। तो इन सब की वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव, ठीक है। अभी उसके बाद फटाफट से अगले पे आ जाओ, जैसे कि इसमें विच पॉइंट्स हैव द डाउनवर्ड वेलोसिटी। हम कहेंगे कि सर जिनका स्लोप नेगेटिव उनकी वेलोसिटी हुई पॉजिटिव, और जिनका स्लोप पॉजिटिव उनकी वेलोसिटी हुई नेगेटिव। अभी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब कि ए बी एच हो गए, ठीक। अभी अपवर्ड की बात करें, अपवर्ड में कौन कौन से आ गए, अपवर्ड में वो आ गए जिनका वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब जिनका स्लोप क्या आया है, नेगेटिव। किस किस का स्लोप नेगेटिव है, डी का नेगेटिव है, ई का नेगेटिव है, एफ का नेगेटिव है, ठीक है भाई। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन समझ में आ गया हमें, डी ई एफ इनका तीनों का स्लोप नेगेटिव, मतलब कि ये किस तरफ मूव करने लग रहे होंगे, नेगेटिव स्लोप मतलब वेलोसिटी इज पॉजिटिव। विच पॉइंट्स हैव जीरो वेलोसिटी, जहाँ का स्लोप जीरो। तो हम क्या कहेंगे सर, जिस जगह पे स्लोप हुआ जीरो इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो। तो ये अपने कौन कौन से पॉइंट आ गए, सी और जी, ठीक है। तो ये अपना सी और जी आ गए जिन जिन का स्लोप हो गया जीरो। विच पॉइंट्स हैव द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। भाई देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो डायरेक्टली क्या हो गया सर, वेलोसिटी हो गई, ये तो हर एक पॉइंट के लिए सेम है, लेकिन स्लोप किसका मैक्सिमम। बच्चों हमें भी पता है कि अगर एक साइन इक्वेशन हमें दे दी जाए तो उसका स्लोप मैक्सिमम रहेगा बच्चों किस और किस पॉइंट पे, ए पे और ई पे। क्यों, क्योंकि साइन इक्वेशन के जब मिड पॉइंट्स रहते हैं, मतलब कि जहाँ पे वो एक्सिस को क्रॉस करते हैं वहाँ पे स्लोप क्या आता है, मैक्सिमम। नहीं तो दूसरे तरीके से, हरदम याद रखो कि ये पार्टिकल SHM करने लग रहा है, SHM करते हुए पार्टिकल का मैक्सिमम स्लोप कहाँ, मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे आएगी, उसकी मीन पोजिशन पे। तो अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने इसका आंसर हो जाएगा ए और ई, ठीक भाई। अभी फिर उसके बाद किसकी बात हम लोग करने लग गए हैं, विच पॉइंट्स हैव अपवर्ड एक्सेलरेशन। मैंने आप लोगों को सिंपल सी बात बताई है बच्चों कि जो जो इस एक्स एक्सिस की लाइन के नीचे की तरफ रहेंगे उन सब का एक्सेलरेशन कैसे रहेगा, ऊपर की तरफ, और जो जो ऊपर की तरफ रहेंगे उन सब का एक्सेलरेशन कैसे रहेगा, नीचे की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट कहाँ पे आना चाहेगा, टुवर्ड्स इट्स मीन पोजिशन के लिए। हमें पता है कि सर SHM के केस में हर एक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन रहता है वो रहता है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजिशन। तो अपवर्ड एक्सेलरेशन के कौन कौन से पॉइंट हो गए, एफ जी एच, ये अपने पास सिंपल से पॉइंट हो गए एफ जी एच। अगर आप लोगों को जीरो एक्सेलरेशन के पॉइंट चाहिए, जीरो एक्सेलरेशन किस किस का हो जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो किसका हो जाएगा, पार्टिकल्स एट मीन पोजीशन। कौन कौन से हैं अभी मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे अपने पार्टिकल हो गए ए और ई। तो मीन्स कि सर इनका स्लोप, सॉरी इनका एक्सेलरेशन जीरो है। ओके थैंक यू। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो और नहीं इसको फॉरवर्ड करो ताकि और लोग भी देख सकें।